स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ गुजराती क्लास। अ टू अहम अ आ। आ कब बनता है बच्चों? जब इसके पास एक लाइन लगती है, अ के पास एक लाइन बनाते हैं तो अ आ ई ई उ ऊ रु रु ऋषि का रु। ए ए कब बनता है बच्चों? जब ऊपर ये मात्रा लगती है, ऊपर ए के ऊपर ये वाली मात्रा लगती है तब ए बनता है। और अ कब बनता है? जब उसके ऊपर ऐसे दो मात्रा बनती है तब अ बनता है। देन ओ कब बनता है बच्चों? ओ जब पास में लाइन और ऊपर ये मात्रा, बट ये मात्रा कहाँ लगेगी? इस लाइन पे, अ के ऊपर नहीं, यहाँ पर। तो क्या बनेगा? ओ। औ कब बनेगा? यस, अ के पास एक लाइन बनाएंगे और ऊपर दो मात्रा, बट वो दो मात्रा कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी, इस लाइन पे, अ पे नहीं। तो औ, अ के ऊपर एक बिंदी लगेगी तो क्या बनेगा? अंग। और अ के पास यहाँ पर दो बिंदी लगेगी, टू डॉट्स, तो क्या बनेगा बच्चों? अहा। तो सबको अभी याद रह गया स्वर अ टू अहा। ओके, सो अगेन रिपीट विथ मी, अ आ ई ई उ ऊ रु ए ऐ ओ औ अंग अहा। ओके, एंड दिस यू हैव टू राइट थ्री टाइम्स इन योर गुजराती फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, सो आप अपनी नोटबुक फटाफट से निकालिए, हम नोटबुक में लिखते हैं। ओके बच्चों, निकालो फटाफट पेंसिल और नोटबुक। टुडे वी आर गोइंग टू राइट अवर नेक्स्ट लेटर। ओके, सो टेक आउट योर बुक एंड पेंसिल फास्ट। तो बच्चों हम आज नोटबुक में लिखेंगे, तो सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालें। ओके, तो आज हमारा लेटर है अंग। अंग से अंक, अंक मीन्स नंबर। सो लीव वन लाइन, राइट नेक्स्ट लाइन। अ करना है हमें बच्चों, अ किया और ऊपर एक बिंदी, अंग, ऐसे करके अ लिखा, अंग। ओके, तो ये टू लाइन्स आपको अंग की लिखनी है। देन हमारा नेक्स्ट लेटर है एंड लास्ट लेटर है स्वर का, वो है अहा। अ करके यहाँ पे टू डॉट्स, हमने वीडियो में सीखा था ना, नमः करके अ करके फिर यहाँ पे टू डॉट्स अहा। सो ये टू लाइन्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट, नाउ टर्न योर पेज एंड वी हैव टू राइट फुल स्वर। क्या लिखना है हमें? पूरा का पूरा स्वर लिखना है, इस तरह से स्वर, स्वर अ से अह तक। ओके, दिस वे यू हैव टू राइट हेडिंग, पूरा स्वर लिखना है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट लेटर है अ, अ आ ई ई उ ऊ रु ए आई ओ औ अंग अह। ओके बच्चों, सो अब मेरे साथ साथ आप लिखना। ओके, यहां पर एक लाइन लीव करके अ, अ के बाद क्या आएगा बच्चों? आ। वेरी गुड, सबको याद रह गया ना अभी तो, अ आ ई ई ऊ ऊ, फिर रु ए, फिर आए, देन ओ, देन औ अंग, देन अहा।
इसी तरह से आपको आपका ये पूरा पेज लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। ओके, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।